साउथ इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री समांथा बीते कुछ दिनों में काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जिसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इनका और इनके पति नागा चैतन्य का डिवोर्स है। पर इसके बावजूद इनके बीच में दोस्ती वाला रिश्ता आज भी बरकरार है, जिसके चलते समांथा आज भी उनकी हर एक फिल्मों को काफी ज्यादा प्यार देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां आम जनता की तरह समांथा भी नागा चैतन्य की हर एक फिल्म को काफी प्यार देती हैं, तो वहीं नागा चैतन्य के करियर में ऐसी चार फिल्में भी हैं जिन्हें समांथा बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। तो आखिरकार कौन सी हैं इनकी वो चार फिल्में और क्यों समांथा उन्हें देखना पसंद नहीं करती? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक पर है प्रेमम। इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म शामिल है प्रेमम, जो कि साल 2016 में आई फिल्मों में सबसे ज्यादा सफल रही थी। लेकिन अगर बात करें कि आखिर इस फिल्म को समांथा देखना पसंद क्यों नहीं करती हैं, तो आपको बता दें कि दरअसल नागा चैतन्य की ये फिल्म एक ऐसे लड़के पर आधारित होती है जो कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन लड़कियों से प्यार करता है, जिसकी वजह से नागा चैतन्य ने इस फिल्म में तीन अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया था, जो कि समांथा को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इसीलिए समांथा इनकी इस फिल्म को नहीं देखती हैं। नंबर दो पर है ताड़का 2। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म ताड़का 2 भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसे समांथा बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती हैं। और बात करें इनके पीछे की वजह की, तो आपको बता दें कि दरअसल इस फिल्म को नापसंद करने की वजह और कुछ नहीं बल्कि इसकी स्टोरी है, जो कि समांथा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और इसलिए उन्हें ये फिल्म देखते हुए काफी ज्यादा बोरियत महसूस होती है, जिसकी वजह से वो इसे पसंद नहीं करती हैं। नंबर तीन पर है वेंकी मामा। नागा चैतन्य की जिन फिल्मों को समांथा देखना पसंद नहीं करती हैं, उनमें एक फिल्म वेंकी मामा भी शामिल है, जिसमें नागा चैतन्य अपने रियल लाइफ मामा वेंकट के साथ काफी जबरदस्त कॉमेडी और अभिनय करते हुए नजर आए थे। वहीं अगर बात करें कि समांथा को ये फिल्म देखना क्यों पसंद नहीं है, तो आपको बता दें कि दरअसल फिल्म में नागा चैतन्य कैप्टन कार्तिक की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, जिनकी एक्टिंग समांथा को काफी ज्यादा ओवर लग रही थी। नंबर चार पर है लव स्टोरी। इस लिस्ट में आखिरी फिल्म है लव स्टोरी, जिसमें नागा चैतन्य के साथ साउथ इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड अभिनेत्री सई पल्लवी देखने को मिली थी, जहां हर किसी के द्वारा इन दोनों की जोड़ी को और फिल्म की कहानी को बेहद पसंद किया गया था। वहीं अगर बात करें कि समांथा इस फिल्म को देखना क्यों पसंद नहीं करती हैं, तो आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करने के दौरान सई पल्लवी और नागा चैतन्य की काफी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गई थी, जिसे हर कोई काफी गलत नजरिए से देख रहा था और इसीलिए इस चीज की वजह से नागा चैतन्य और समांथा में भी कई बार लड़ाई हुई थी, जिसके चलते उन्हें ये फिल्म देखना तो क्या, इसका नाम तक सुनना पसंद नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी नागा चैतन्य की इन चार फिल्मों में से कोई फिल्म देखना पसंद नहीं है? अगर हाँ, तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ जगत से जुड़ी ऐसी ही और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।